हेलो एंड वेलकम बैक टू द सिविल पॉइंट यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज दोस्तों हम एमपीएससी के प्रीवियस ईयर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। मतलब यहां से आपके जो जेई का एग्जाम होने वाला है, एमपी के व्यापम जेई का एग्जाम होने वाला है, उसमें इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए और उनका डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 51 से क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूड टर्म एज पॉइस इक्विवेलेंट टू। देखो दोस्तों यहां पे बोला है कि आपने बताना है डायनामिक विस्कोसिटी का यूनिट क्या होगा इन टर्म्स ऑफ पॉइस। तो ये तो आपको पता होगा कि पॉइस किसकी यूनिट होती है, ये होती है दोस्तों डायनामिक विस्कोसिटी की यूनिट। बट यहां पे आपने सिर्फ इतना बताना है कि पॉइस किसके इक्विवेलेंट होता है। तो देखो पॉइस एक सीजीएस यूनिट है दोस्तों, मतलब इसमें सेंटीमीटर आएगा, और फोर्स की यूनिट आपकी आएगी डाइन में। ठीक है, तो देखो अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट हो जाती है दोस्तों पास्कल सेकंड। पास्कल को हम लिखते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और सेकंड आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो देखो यहां पे न्यूटन को अगर मैं सीजीएस में लिखने जाऊं दोस्तों तो इसको लिखेंगे डाइन, इसको क्या लिखेंगे डाइन। ठीक है, वहीं पे दोस्तों मीटर स्क्वायर को अगर मैं सीजीएस में लिखने जाऊं तो ये लिखेंगे दोस्तों सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड आपका दोनों में सेम रहता है तो ये हो जाएगा दोस्तों डाइन सेंट अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं दोस्तों पॉइस। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को पॉइस बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सिंपल क्वेश्चन है, इतने हार्ड भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं एई में, सिमिलर होते हैं जैसे कि आपके जेई में होते हैं। ठीक है, बस थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस होता है, क्वेश्चंस को पूछने का तरीका अलग होता है। तो चलिए दोस्तों हम देखेंगे डायनामिक विस्कोसिटी क्या होती है, इसके बारे में कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहां पर मैंने लिखा है विस्कोसिटी। अब देखो विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी अगर मैं हिंदी में बताने जाऊं दोस्तों, विस्कोसिटी चिपचिपाहट होती है। आपने भी इन चीजों को फील किया होगा, जैसे कि दोस्तों ऑयल, ऑयल इसका बेस्ट एग्जांपल है। ऑयल में क्या होता है दोस्तों, चिपचिपाहटपन होती है, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं विस्कोसिटी। अगर टेक्निकली बात की जाए तो विस्कोसिटी क्या है, विस्कोसिटी इज ए फिनोमिना विच रजिस्ट द रिलेटिव मोशन, विच रजिस्ट द रिलेटिव मोशन। तो विस्कोसिटी क्या है दोस्तों, विस्कोसिटी एक रजिस्टेंस है ऑफर्ड बाय फ्लूड, ये एक रजिस्टेंस है जो क्या करता है दोस्तों, जो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अब रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है, एक लेयर फास्ट चल रही है दोस्तों, एक लेयर स्लो चल रही है, इन दोनों के बीच में जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है दोस्तों, इसी को क्या बोल रहे हैं दोस्तों, इसी को बोल रहे हैं हम रिलेटिव वेलोसिटी। अब ये मेरा हाथ है, ये ऊपर वाली लेयर है, ये नीचे वाली लेयर है, ये हमने माना दोस्तों फ्लूड की ऊपर वाली लेयर है, ये फ्लूड की नीचे वाली लेयर, ये तेज चल रही है और ये धीमा चल रही है। तो धीमे चलने वाली इस तेज चलने वाली पर एक अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी, एक रेजिस्टेंस लगाएगी, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे विस्कोसिटी। अब यहां पे दोस्तों विस्कोसिटी से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि दोस्तों यूनिट, यहां पे यूनिट पूछी जाएगी आपसे। ठीक है, टेम्परेचर एंड प्रेशर का क्या वेरिएशन आता है यह पूछा जाएगा। तो चलिए सभी के बारे में बात करते हैं। तो यहां पे दोस्तों हमने लिखा है शियर स्ट्रेस।
जो शियर स्ट्रेंथ होती है इसको हम टो से डिनोट करते हैं, ये होता है दोस्तों डी यू अपॉन डी वाई इंटू म्यू। अब यहाँ पे टो क्या है, टो है दोस्तों शियर स्ट्रेस, टो क्या है शियर स्ट्रेस है। क्यों शियर स्ट्रेस है ये देखो, हमेशा ध्यान रखना, हमेशा दोस्तों ध्यान रखना, जब भी फ्लूड मोशन में होगा उस पर सिर्फ और सिर्फ आपकी कौन सी स्ट्रेस लगेगी, उस पर सिर्फ और सिर्फ आपकी शियर स्ट्रेस लगेगी, क्योंकि शियर स्ट्रेस ही कॉज करती है दोस्तों मोशन को, क्योंकि ये सरफेस पे लगती है, सरफेस पर एक फोर्स लगेगी शियर फोर्स, ठीक है, ये इसको रोल करेगी दोस्तों, और रोल करना ही क्या कहलाता है, रोल करना ही दोस्तों मोशन कहलाता है। तो जब भी फ्लूड मोशन में होगा उसी टाइम दोस्तों इस पर जो भी स्ट्रेस लगेगी वो होगी आपकी शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस आपकी इक्वल होती है म्यू डी यू अपॉन डी वाई, ठीक है। डी यू अपॉन डी वाई क्या है दोस्तों, ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहां से भी आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि म्यू कब एग्जिस्ट करेगा, जब वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा। अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो हो जाए उस केस में दोस्तों म्यू भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसको दूसरे रूप में भी लिखते हैं, टो इक्वल टू म्यू डी थीटा अपॉन डी टी, इसको बोलते हैं दोस्तों रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, या कहीं कहीं पे आप इसको देखते हैं रेट ऑफ शियर डिफॉर्मेशन, शियर डिफॉर्मेशन, इन दोनों का मतलब सेम ही। अब देखो यहां पे दोस्तों हम रेट क्यों लेते हैं, हम डायरेक्ट शियर स्ट्रेन क्यों नहीं लेते, तो इसका भी एक रीजन है, चलिए देखते हैं। लेट सपोज ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा सॉलिड है दोस्तों, और मैं इस पर एक फोर्स लगा रहा हूं जो कि इसकी सरफेस पे लग रही है, तो क्या होगा, ये सॉलिड आपका कुछ इस टाइप से डिफॉर्म हो जाएगा, ये आएगा दोस्तों इसका थीटा, जो यहां पे जो थीटा है ये है दोस्तों शियर स्ट्रेन। बट इन केस ऑफ फ्लूड इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, बिकॉज लेट सपोज हम अभी इसकी बात कर रहे हैं सॉलिड की, मैंने यहां पे 10 न्यूटन का एक फोर्स लगा के रखा है, ये लगाया दोस्तों मैंने 1 PM पर, ठीक है, और कोई भी डेट लिख सकते हैं आप, लेट सपोज मैंने 2/10/2022 को मैंने लगाया इसको, ठीक है 2020 को लगाया। अब मैं इसको दोस्तों 3/10/2020 को देखने वाला हूं, तो क्या इसमें कोई चेंज आएगा, क्या शियर स्ट्रेन आपकी चेंज होगी, आंसर होगा दोस्तों नहीं। क्यों नहीं चेंज होगी, क्योंकि दोस्तों जो फोर्स लगा है वो कांस्टेंट है, जो फोर्स लगा है वो कांस्टेंट है, और सॉलिड क्या होता है दोस्तों, सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, मतलब कि उसमें बॉन्डिंग अच्छी होती है, ठीक है। तो जैसे ही आप फोर्स लगा के उसको डिस्टर्ब करेंगे उसमें कोई भी स्ट्रेन आएगी तो दोस्तों उसके बाद क्या होगा, ये एक अलग पोजिशन ऑक्यूपाई कर लेगा, उसके बाद इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर आपने फोर्स को नहीं बढ़ाया, इसलिए यहाँ पे दोस्तों हमने बोला है शियर स्ट्रेन। बट इन केस ऑफ फ्लूड, फ्लूड में क्या होता है दोस्तों, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है और पार्टिकल के बीच में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में गैप ज्यादा होता है, फ्रीली मूव करते हैं तभी तो मूव कर पा रहे हैं। तो जैसे ही आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे वो दोस्तों कंटिन्यूसली फ्लो करता जाएगा इसी फोर्स के साथ, मतलब इतना ही फोर्स आपने लगा के रखा है, बट धीरे धीरे वो क्या करेगा, वो उसमें दोस्तों डिफॉर्मेशन चालू हो जाएगा। अगर आज देख रहे हैं दोस्तों तो आज कुछ और स्ट्रेन होगी, कल कुछ और स्ट्रेन होगी, परसों कुछ और स्ट्रेन होगी, तो यहां पे हम पता कर सकते हैं कि भाई जब स्ट्रेन चेंज हो रही है इसका मतलब क्या है, यहां पे टाइम के साथ स्ट्रेन चेंज होना ही दोस्तों रेट कहलाएगा। तो यहां पे हम लेते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। अब बात करेंगे दोस्तों इस म्यू को क्या बोलते हैं, म्यू को दोस्तों बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी या फिर विस्कोसिटी या फिर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी, ध्यान रखना है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी या फिर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये 4-5 नाम है, कंफ्यूज नहीं होना है,
सभी एक ही नाम है। तो ये चीजें हमने अभी डिस्कस की हैं। सीजीएस में इसकी यूनिट हो जाती है दोस्तों पोइस, और पोइस इक्वल होता है डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और दोस्तों ध्यान रखना है, एक पास्कल सेकंड इक्वल होता है टेन पोइस के। आप इसको यहां पे पुट करके भी देख सकते हैं यहां पे, ठीक है। डाइन का वैल्यू रखना और सेंटीमीटर स्क्वायर का मीटर में वैल्यू रखना, तो आपको पता चल जाएगा कि वन पास्कल सेकंड 10 पोइस के इक्वल होता है। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखो इसकी डायमेंशन पे भी क्वेश्चन बनता है, इसकी डायमेंशन पूछी जाएगी, तो डायमेंशन हो जाएगी दोस्तों m1 l -1 t -1। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, तो इक्वल टू म्यू du / dy से। यहां से आपने किसका निकालना है, म्यू का निकालना है, तो ये हो जाएगा टो / du / dy। तो यहां से आप सिंपली निकाल सकते हैं, आसानी से निकल जाएगा। अब देखो टेम्परेचर का वेरिएशन आप सभी को पता होगा, प्रेशर का वेरिएशन आपको सभी को पता होगा, तो आप यहां से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, व्हाट इज द हाइट ऑफ फ्लूइड राइज व्हेन द कैपिलरी विद द डायमीटर डी इज डिप्ड इन टू द इन द फ्लूइड हैविंग ए डेंसिटी रो एंड सरफेस टेंशन सिग्मा। तो यहाँ पे आपने क्या बताना है दोस्तों, यहाँ पे आपने बताना है कि कैपिलरी राइज कितना होगा या फ्लूइड कितना राइज करेगा किसी कैपिलरी ट्यूब में। इसमें इसका डायमीटर दिया है, डेंसिटी दी है फ्लूइड की, और सरफेस टेंशन दिया है। सरफेस टेंशन आप सभी समझते होंगे सरफेस टेंशन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसका फॉर्मूला बताना है कि किस टाइप से दोस्तों हम राइज निकालते हैं। तो देखो इसके लिए मैं एक आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ये हमारा एक कैपिलरी ट्यूब है, और ये है कोई कंटेनर जिसमें रखा हुआ है। यहां पे दोस्तों वाटर फिल है, लेट सपोज वाटर फिल है, अभी हम वाटर की बात कर रहे हैं। तो देखो ये आपका राइज करेगा और ये बनाएगा कॉनकेव मेनिस्कस, कॉनकेव मेनिस्कस। ध्यान रखना है, पूछा जाता है कि जब राइज करता है तो कैसा मेनिस्कस बनता है और जब फोल करता है तो कैसा मेनिस्कस बनता है। जब राइज करेगा तो कॉनकेव मेनिस्कस बनेगा दोस्तों, इसका भी रीजन है बट मैं यहां पे बताने जाऊंगा बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, कम से कम एक घंटा लग जाएगा इसी को अगर समझाने जाऊं। तो देखो दोस्तों यहां पे इस प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए, यहां पे प्रेशर कम हो जाता है तो इस प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए ये एच हाइट इंक्रीज करता है, और इसी को हम निकालते हैं दोस्तों 4 सिग्मा कोस थीटा / रो जी डी से। यहां पे सिग्मा क्या है, सिग्मा है दोस्तों सरफेस टेंशन, थीटा है दोस्तों यहां पर कॉन्टैक्ट एंगल, रो आपको पता है, जी आपको पता है, डी आपको पता है, डी है दोस्तों डायमीटर ऑफ ट्यूब, ठीक है। तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, ऐसे आप दोस्तों कैपिलरी राइज निकाल सकते हो। अब ये तो बात है दोस्तों किसकी, ये बात है दोस्तों वाटर की। तो वाटर के केस में क्या होता है, एडेजन ज्यादा होता है कोहिजन से। तो जिस केस में भी एडेजन ज्यादा होगा कोहिजन से उस केस में दोस्तों राइज करेगा, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस केस में एडेजन ज्यादा होगा कोहिजन से, एडेजन क्या होता है दोस्तों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड पार्टिकल या बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल। तो देखो यहां पे बात कर रहे हैं, ये ग्लास की ट्यूब है दोस्तों और ये वाटर है, तो इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फ्लूइड के बीच में अट्रैक्शन, ठीक है। तो
इस कारण दोस्तों ये राइज करता है। राइज करने का कारण क्या है? राइज करने का कारण है दोस्तों प्रेशर को कंपेंसेट करता है, ठीक है, ये कारण नहीं है, ठीक है। इसके कारण दोस्तों ये कॉनकेव मेनिस्कस बनता है, इसके कारण ये कॉनकेव मेनिस्कस बनता है, ठीक है। अब बात करेंगे दूसरा पॉइंट, आपने ध्यान रखना है थीटा हमेशा इस केस में 90 से कम होगा। आप यहां से देख सकते हैं, ये ऐसे में अगर इस पर टेंजेंट ड्रॉ करूं और ये निकालूं दोस्तों, ये थीटा निकल जाएगा। आप देख रहे हैं थीटा हमेशा 90 से कम होगा अगर एडिजन ज्यादा है कोइजन से, मतलब अगर राइजिंग का केस है। वहीं पे दोस्तों केस नंबर सेकंड आता है फॉल। तो फॉल में क्या होगा? फॉल में कुछ इस टाइप से ये फॉल कर जाएगा और कॉनवेक्स मेनिस्कस बनाएगा। आप देख रहे हैं ये कॉनवेक्स मेनिस्कस है, ये कैसा है? कॉनवेक्स मेनिस्कस। तो ये कब होता है? ये होता है दोस्तों जब कोहिजन एडिजन से ज्यादा होता है, जैसे कि दोस्तों मरकरी। और इस केस में जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है वो 90 से ज्यादा होगा, हमेशा 90 से ज्यादा होगा। आप देख सकते हैं ये हमेशा दोस्तों 90 से ज्यादा होगा। तो यहां पे ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एच इक्वल टू 4 सिग्मा कोस थीटा रो जी डी। अब देखो ये आर में भी दे देता है, आर में भी दे देता है, तो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जब आर में देगा तो ये हो जाएगा 2R, ऊपर से ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 2 सिग्मा कोस थीटा अपॉन रो जी आर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, द प्रेशर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन ए फ्लूड इज गिवन 3.925 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पे आपको दिया है प्रेशर इंटेंसिटी, किसी एक पॉइंट पर प्रेशर इंटेंसिटी दिया है 3.925 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द कोरस्पोंडिंग हाइट ऑफ फ्लूड व्हेन द फ्लूड हैज स्पेसिफिक ग्रेविटी 1। तो यहां पे आपने बताना है कि कितनी हाइट होगी उस फ्लूड की, उस पॉइंट के अबाउ कितनी हाइट होगी उस फ्लूड की। चलिए बात करते हैं, देखो लेट सपोज एक ये हमारा कोई ग्लास, चलो ग्लास ले लेते हैं, या कोई भी ट्यूब है या कोई भी कंटेनर, इसमें वाटर फिल है, इसमें वाटर या फ्लूड फिल है, फ्लूड यहाँ पे फ्लूड दिया है, ठीक है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी है दोस्तों 1। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस पॉइंट की, इस पॉइंट पे प्रेशर दिया है 3.925 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने बताना है कि इसका कितना हाइट होगा, सिंपल यही आपने बताना है। तो देखो सिंपल है, हमको पता है ये स्टैटिक फ्लूड है, ये कौन सा फ्लूड है? स्टैटिक फ्लूड। और स्टैटिक फ्लूड में हम सभी जानते हैं पी इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू होता है रो जी एच, ठीक है, सिंपल है, पी इक्वल टू रो जी एच। यहाँ पे रो क्या है? डेंसिटी, जी क्या है? एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच क्या है? ये हाइट। अब जो ये डेंसिटी निकलेगी दोस्तों फ्लूड की डेंसिटी, ये कैसे निकालते हैं हम? ये निकालते हैं जी इक्वल टू रो सब्सटेंस अपॉन रो डब्ल्यू। अब यहाँ पे जी दिया है 1, तो रो एस हो जाएगा या रो फ्लूड हो जाएगा दोस्तों रो डब्ल्यू के इक्वल, मतलब रो डब्ल्यू कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पे लगाएंगे, सभी चीज़ों को रखेंगे और हम दोस्तों अपना हाइट निकाल लेंगे पी इक्वल टू रो जी एच करके। यहाँ पे पी कितना है? 3.925 इंटू 10^4। क्यों किया है? क्योंकि मैंने इसको मीटर स्क्वायर में चेंज किया है। इक्वल करेंगे रो इंटू जी, ये क्या हो जाएगा? गामा, और गामा कितना होता है? 9810 इंटू एच, एच निकाल लेंगे, इसको 9810 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा, लेट मी चेक दिस, 3.925 इंटू 10^4 अपॉन 9810, ये आएगा दोस्तों हमारा 4, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ए का एग्जाम है तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, सभी क्वेश्चंस सिमिलर ही होते हैं, बस पूछने का तरीका अलग होता है। अब आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 54 की।
यहाँ पे आपने बताना है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट ओनली व्हेन, आपने बताना है दोस्तों जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन होता है ये कब एग्जिस्ट करता है, इसका वजूद कब होता है दोस्तों, किस केस में एग्जिस्ट करेगा। यहां पे दिया है फ्लो इज लेमिनार, मतलब जब फ्लो लेमिनार होता है, या फिर आप बोल सकते हो लेमिनार फ्लो के केस में वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है, या फिर टर्बुलेंट फ्लो के केस में करता है, या फिर इरोटेशनल फ्लो के केस में करता है, या फिर रोटेशनल फ्लो के केस में करता है। तो आपने इसका आंसर बताना है। तो चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन और ये किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है और किस फ्लो पर दोस्तों ये, मतलब किस फ्लो में ये एग्जिस्ट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करेंगे क्यों इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो पहले बात करेंगे दोस्तों वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं फाइ से। इट इज द नेगेटिव, या ऐसे लिखेंगे इसके, इट इज डिफाइंड एज द नेगेटिव डेरिवेटिव ऑफ दिस, दिस मीन्स वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन गिव्स द डायरेक्शन या गिव्स द वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन, ये होता है दोस्तों वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। चलिए इसका मतलब समझते हैं एक्चुअल में इसने बोला क्या। देखो ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम कौन सी वेलोसिटी शो करते हैं, यू, और वाई एक्सिस पे हम करते हैं दोस्तों वी। अब देखो मैंने बोला है कि जो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन है अगर मैं इसका दोस्तों नेगेटिव डेरिवेटिव लेता हूं, नेगेटिव डेरिवेटिव का मीन्स क्या है, माइनस डो फाई अपॉन डो एक्स। चलो इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो हो जाएगा डो एक्स, तो इसी की डायरेक्शन में ये वेलोसिटी कंपोनेंट देगा यू। बात करें दोस्तों इस डायरेक्शन में तो हो जाएगा माइनस डो फाई अपॉन डो वाई, तो इसी डायरेक्शन में ये वेलोसिटी कंपोनेंट देगा, ध्यान रखना आपने। अब बात करेंगे क्यों ये इरोटेशनल फ्लो के केस में एग्जिस्ट करता है, चलिए देखते हैं। तो यहां पे हम दोस्तों रोटेशनल कंपोनेंट पढ़ने वाले हैं जो होता है हाफ डो वी अपॉन डो एक्स माइनस डो यू अपॉन डो वाई। अब क्या करेंगे हम v और u का वैल्यू रखते हैं यहां पे और देखते हैं क्या आएगा। रखेंगे यहां पे हाफ डो अपॉन डो एक्स माइनस डो फाई अपॉन डो वाई माइनस 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 प्लस हो जाएगा, चलो बाद में करते हैं, डो अपॉन डो वाई माइनस डो फाई अपॉन डो एक्स। अब देखो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस ही रहेगा, इससे कट जाएगा तो ये आएगा दोस्तों जीरो। अगर ये जीरो आ रहा है, अगर ये जीरो आ रहा है डग, मतलब ये ओमेगा जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, फ्लो कैसा है, फ्लो है इरोटेशनल। अगर दोस्तों ओमेगा जीरो आता है, रोटेशनल कंपोनेंट जीरो आता है, इट मींस फ्लो विल बी इरोटेशनल। और अगर ये जीरो जीरो नहीं आता है, इट मींस फ्लो विल बी रोटेशनल, ठीक है। तो ये जीरो आ चुका है, इसका मतलब है फ्लो कैसा है, इरोटेशनल फ्लो है। और ये कब आया है जीरो, जब हमने दोस्तों वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन को यहां पे रखा है तब जाके ये जीरो आया। तो हम बोल सकते हैं इरोटेशनल फ्लो के केस में आपका वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, थ्री पाइप्स ऑफ लेंथ 800 मीटर, 500 मीटर, 400 मीटर एंड ऑफ डायामीटर 500 mm, 400 mm एंड 300 mm रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। दीज पाइप आर टू बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल पाइप ऑफ लेंथ, फाइंड द डायामीटर ऑफ द सिंगल पाइप। देखो इतना ही क्वेश्चन दिया है, ठीक है, मुझे लगता है कि इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहिए था इनको। चलिए बात करते हैं क्या मतलब है इन सभी पैरामीटर्स का। यहाँ पे दोस्तों तीन पाइप दिए हैं, एक का लेंथ दिया है 800 मीटर, एक का लेंथ दिया है 500 मीटर, एक का लेंथ दिया है 400 मीटर और इनके डायामीटर भी दिए हैं। मतलब 800 मीटर वाले पाइप का डायामीटर है 500 mm, 500 का 400 और 400 वाले का है 300। उसके बाद हमने क्या किया, उनके बाद हमने इनको एक सिंगल पाइप में कन्वर्ट कर दिया। अब यहां पे पूछा है कि उस सिंगल पाइप का डायामीटर कितना होगा, जबकि लेंथ क्या है, लेंथ इन तीनों के बराबर है, लेंथ इन तीनों के बराबर, ये नहीं बोला है यहां पे, बट हम फिर भी ले रहे हैं जब यहां पे नहीं दिया है तो लेंथ तीनों के बराबर है तो उस केस में आपने बताना है डायामीटर कितना होगा। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों, ये केस है आपका सीरीज का, ये जो पाइप कनेक्ट है ये सीरीज का केस है। मतलब एक पाइप ये है, उसके बाद एक पाइप ये है, उसके बाद एक पाइप ये है। मैं डायमीटर नहीं बना रहा हूं यहां पे, ये 800 मीटर है, ये 500 है, आई थिंक 500 है, ठीक है, और ये 400 है। इसका डायमीटर दिया है, इसका डायमीटर दिया है, इसका मतलब कि ये डायमीटर दिया है, ये वाला दिया है और ये वाला दिया है। अब यहां पे इसको हटा के एक सिंगल पाइप लगा दिया जाता है इसी लेंथ का, जितनी लेंथ में ये है इसी लेंथ का एक सिंगल पाइप लगा दिया जाता है। अब आपने बताना है कि इसका डायमीटर कितना रखेंगे। तो देखो इस पाइप को, पहली बात तो ये क्या बोलते हैं इस पाइप को, इक्विवेलेंट पाइप। अब दोस्तों इक्विवेलेंट पाइप की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी, भाई देखो अगर हम किसी को किसी के इक्वल रख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, वो बराबर है, हर चीज में बराबर है। तो यहां पे दोस्तों इक्विवेलेंट पाइप भी इन्हीं जैसा होगा। किस रेस्पेक्ट में दोस्तों, इसमें जो हेड लॉस होगा प्लस इसमें जो हेड लॉस होगा वो दोनों बराबर होंगे, इसमें जो डिस्चार्ज होगा प्लस इसमें जो डिस्चार्ज होगा दोस्तों भी दोनों बराबर होंगे, इसमें डिस्चार्ज और इसमें डिस्चार्ज दोनों बराबर होंगे। अगर मैं बोल रहा हूं इसमें क्यू जा रहा है तो इसमें भी क्यू जाएगा, इसमें एच हेड लॉस है तो इसमें भी एच हेड लॉस होगा। तो यहां पे हम पहले तो निकालेंगे इन तीनों पाइप में हेड लॉस और फिर इसमें हेड लॉस निकालेंगे, दोनों को बराबर रख देंगे और वहां से दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। देखो अगर सीरीज का केस है, ध्यान रखना है इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीरीज के केस में क्या इक्वल होता है और क्या डिफरेंट होता है। हेड लॉस दोस्तों ये वेरी करता है, जबकि डिस्चार्ज ये कांस्टेंट होता है। भाई एक बात बताओ, अगर यहां से क्यों डिस्चार्ज आ रहा है तो क्यों तो पास ही करेगा, मतलब क्यों ही तो पास करेगा, यहां से कोई ब्रांच थोड़ी निकली है कि इधर चला जाएगा या इधर चला जाएगा, क्यों ही पास करेगा, जब क्यों एंटर किया है तो क्यों ही पास करेगा। बट दोस्तों यहां पे फ्रिक्शन इतनी लेंथ में लग रहा है, आगे फिर बढ़ेगा लेंथ इतना हो जाएगा तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा और यहां तक पहुंचने पर लेंथ इतनी हो जाएगी तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो फ्रिक्शन ज्यादा हो रहे हैं तो हेड लॉस कम होता जा रहा है, मतलब हेड लॉस बढ़ता जा रहा है, सॉरी हेड लॉस बढ़ता जा रहा है। तो यहां पे हेड लॉस बढ़ता है जबकि डिस्चार्ज कॉन्स्टेंट रहता है। इसके अपोजिट होता है दोस्तों पैरेलल केस। पैरेलल में क्या होता है, हेड लॉस बराबर होगा जबकि डिस्चार्ज क्या करेगा दोस्तों, डिस्चार्ज आपका डिवाइड करता है, ठीक है, डिस्चार्ज अलग होता है और हेड लॉस बराबर होता है। अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, मैं हेड लॉस निकालने वाला हूं एच एल, ठीक है, तो ये हो जाएगा एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री। अब देखो एच वन एच टू एच थ्री आप सभी को पता होगा कैसे निकालते हैं, एच वन प्लस एच टू प्लस एच थ्री
ये हो जाएगा दोस्तों एच वन निकालेंगे हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एफ एल क्यू वन स्क्वायर यहाँ पे वन लगा देंगे अपॉन 12.1 डी वन की पावर 5। वहीं पे दोस्तों एच टू के कैसे निकालेंगे एफ एल टू क्यू टू स्क्वायर अपॉन 12.1 डी टू की पावर 5 और एच थ्री क्या हो जाएगा एफ एल थ्री क्यू थ्री स्क्वायर अपॉन 12.1 डी थ्री की पावर 5। अब देखो ये किसके इक्वल है ये दोस्तों इक्वेलेंट पाइप के हेड लॉस के बराबर है मैंने आपको बताया था तो उसमें लगाएंगे हम एफ एल कैपिटल एल क्यू स्क्वायर अपॉन 12.1 डी की पावर 5। अब यहाँ पे एफ सभी का कांस्टेंट होगा क्योंकि मटेरियल सेम अब देखो क्यू भी सेम है मतलब जितना यहां से पास की एंटर किया इतना ही बाहर निकला है तो जितना यहां पे होगा क्यू इतना ही यहां पे आएगा दोस्तों और इक्विवेलेंट पाइप में भी आपका क्यू सेम होगा इसलिए क्यू को भी मैंने क्या कर दिया डिलीट कर दिया है कैंसिल आउट कर दिया है। अब हमारे पास क्या बचा है 12.1 से 12.1 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास बचेगा दोस्तों फाइनली हमारे पास क्या बचेगा एल अपॉन डी की पावर 5 इक्वल टू एल वन अपॉन डी वन की पावर 5 प्लस एल टू अपॉन डी टू की पावर 5 प्लस एल थ्री अपॉन डी थ्री की पावर 5। तो चलिए रखते हैं सभी वैल्यूज को रखते हैं रखने के बाद अब जब निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। एक बार इसको चेक कर लेना ऑप्शन नंबर सी है या क्या है ठीक है यह आपका काम है मैंने आपको बता दिया है कि किस टाइप से निकालना है। तो अब चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 56 पर। इस सैंपल ऑफ ड्राई सोइल वेट 68 ग्राम्स फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल इज 40 ml एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड इज 2.61। यहां पे दोस्तों एक सैंपल है सोइल का लेट्स सपोज ये हमारा सोइल सैंपल है ठीक है जिसका ये ड्राई है दोस्तों ये कैसा है ड्राई है ध्यान रखना है ड्राई है मतलब बिल्कुल सूखा है इसमें कोई भी पानी नहीं है इसमें मॉइस्चर कंटेंट की मात्रा क्या है दोस्तों जीरो है। तो इसका वेट दिया है 68 ग्राम इस पूरी सोइल का वेट कितना दिया है 68 ग्राम तो यहाँ से यहाँ तक का जो वेट हो जाएगा ये हो जाएगा 68 ग्राम। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वॉइड यहां तक दोस्तों वॉइड है और ये है सॉलिड ये क्या है वॉइड है और ये सॉलिड है तो आपने ये वाला वॉल्यूम फाइंड करना है वी वी आपने फाइंड करना है ये कितना दिया है दोस्तों ये हमको नहीं दिया है ये वी एस हमको नहीं दिया है हमको क्या दिया है दोस्तों हमको सिर्फ 68 ग्राम इस पूरी सॉइल का वेट दिया है और वॉल्यूम ऑफ सैंपल पूरा वॉल्यूम ऑफ सैंपल कितना दिया है दोस्तों ये दिया है 40 ml। अब आपने निकालना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ये वाला VW आपने VB आपने निकालना है तो चलिए देखो यहां से अगर मैं बात करूं टोटल वॉल्यूम की तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा VB प्लस VS के बराबर आपके पास V है 40 यहां रख देंगे VB यहां से निकालेंगे दोस्तों अगर VS आपको पता होगा तभी आप निकाल पाएंगे VB VS कैसे निकालेंगे इसके लिए दोस्तों देखो इसके लिए हमको क्या चाहिए इसके लिए हमको चाहिए दोस्तों WS अपॉन GS ठीक है WS अपॉन GS ऐसे निकालते हैं हम ठीक है आपको पता होगा GS कैसे निकालते हैं GS निकालते हैं गामा एस अपॉन गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू यहाँ पे हमने एक लिया है और गामा एस हो जाएगा डब्ल्यू एस अपॉन वी एस तो यहाँ से ये इधर आ जाएगा जी एस तो वी एस हो जाएगा आपका डब्ल्यू एस अपॉन जी एस के इक्वल ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर बात आती है चलो वी एस तो हम यहाँ से निकाल लेंगे बट डब्ल्यू एस कहाँ से निकालेंगे दोस्तों मतलब वेट ऑफ सॉलिड कहाँ से निकालेंगे तो देखो ये दिया है आपको 68 क्यों क्योंकि दोस्तों
जो ड्राई सॉइल है उसमें मोशन नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एयर है, और एयर का वेट हम क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं, एयर का वेट हम जीरो कंसिडर करते हैं। तो हम बोल सकते हैं नहीं कि जो ड्राई सॉइल है उसमें जो भी वेट है वो किसके कारण है, सॉलिड के कारण है, उसमें हवा का कोई भी वेट नहीं है। तो हम 68 को क्या बोलेंगे, 68 को बोलेंगे WS। यहां पे रखेंगे दोस्तों, यहां पे रखेंगे, ये हो जाएगा आपका VV इक्वल टू V माइनस VS, ये है कितना 40 और ये कितना है WS अपॉन GS। अब देखो ये हो जाएगा 40 माइनस 68 अपॉन 2.65, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा दोस्तों आपका 40 माइनस 68 अपॉन 2.565, ये आएगा आपका 14.34, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों, द कैपिलरी राइज इन वन सॉइल सैंपल हैविंग D10 0.05 mm इज 52 सेंटीमीटर। देखो एक सॉइल दी है यहाँ पे, जिस पर दोस्तों जिसका जो D10 है इफेक्टिव साइज, मतलब इफेक्टिव साइज साइज ऑफ ग्रेन, ये है दोस्तों आपका D10 इक्वल टू 0.05 mm, उसमें दोस्तों जो कैपिलरी राइज दिया है ये दिया है 52 सेंटीमीटर। इफ अनदर सॉइल हैविंग D10 0.10 एंड सेम वॉइड रेशो एज ऑफ फर्स्ट सॉइल, देन द वैल्यू ऑफ कैपिलरी राइज इन सेकंड सॉइल। देखो एक सॉइल दिया है जिसमें D10 दिया है आपको 0.05 और इसमें जो H आया है कैपिलरी राइज ये आया 52 सेंटीमीटर। अब जो दूसरी सॉइल है उसमें D10 दिया है 0.10, अब आपने इसमें H बताना है कितना आएगा। E यहां पे भी सेम है और यहां पे भी दोस्तों सेम है, दोनों में E क्या है सेम, E मतलब वॉइड रेशो दोनों का सेम है। अब आपने बताना है कि सेकंड सॉइल का में जो कैपिलरी का राइज आएगा वो कितना आएगा। पहली बात तो ये राइज क्यों होता है, जो कैपिलरी राइज होता है ये क्यों होता है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों ड्यू टू कोहिजन प्लस सरफेस टेंशन। सोइल में दोस्तों ये जैसे सोइल है इस टाइप की, तो ये जो आपके वॉइड हैं ये इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये वॉइड इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो कुछ एक टाइप की ट्यूब सी बना लेते हैं जिसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब, इसके थ्रू से वाटर राइज करता है। और इसका फॉर्मूला क्या है ध्यान रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा एच सी कैपिलरी राइज, ये हो जाएगा दोस्तों सी अपॉन ई डी टेन। अब देखो सी क्या है, ई क्या है, डी टेन क्या है, देखो ई और डी टेन तो आपको पता है, ई क्या है वॉइड रेशो है, यहाँ पे सी क्या है दोस्तों, सी है एक कॉन्स्टेंट, ठीक है, जिसका वैल्यू हम अगर नहीं दिया है 0.05 लेके चलते हैं और अगर दिया है तो उसी को यूज करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देखो दो सॉइल दी है इसलिए हम C का वैल्यू इक्वेशन से निकालेंगे, चलिए कैसे, तो फर्स्ट के लिए हो जाएगा 52 इक्वल टू C और E इंटू D10, D10 कितना दिया है 0.05, तो यहाँ से C निकल जाएगा 52 इंटू 0.05 E, तो ये आ जाएगा दोस्तों 2.6 E, ठीक है, C कितना आया 2.6। अब चलिए सेकंड देखते हैं, सेकंड सॉइल में तो एच सी आ जाएगा आपका सी अपॉन ई डी टेन, सी कितना है अभी हमने निकाला 2.6 ई अपॉन ई इंटू डी टेन, अब डी टेन कितना है दोस्तों दिया है 0.10, तो ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 26 सेंटीमीटर, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58, द सरफेस
ऑफ ए सैचुरेटेड क्ले डिपोजिट इज लोकेटेड परमानेंटली बिलो द, इसको काट देना, ग्राउंड वाटर टेबल, द क्ले हैज नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ 43% एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ 2.7, द वर्टिकल इंटर ग्रेनुलर प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ 11 मीटर। तो यहाँ पे क्या पूछा है दोस्तों, चलिए बात करते हैं। देखो ये हमारा ग्राउंड वाटर है, इसके नीचे दोस्तों यहाँ पर क्ले दिया है, द सरफेस ऑफ सैचुरेटेड क्ले डिपॉजिट इज लोकेटेड परमानेंटली बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल। तो यहाँ पे दोस्तों ग्राउंड वाटर टेबल है, लेट सपोज यहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल है और यहाँ पे है क्ले, ये है आपकी क्ले, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे बनाते हैं, यहाँ ये है आपकी ग्राउंड वाटर टेबल और यहाँ पे है दोस्तों क्ले। अब देखो वाटर लेवल यहाँ है तो ये तो फुली सैचुरेटेड होगी, फुली सैचुरेटेड, और इसमें दोस्तों वाटर कंटेंट दिया है 43%। तो यहां पे दोस्तों इस लेवल से 11 मीटर पर आपने निकालना है इंटर ग्रेनुलर प्रेशर निकालना है आपको, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस, जिसको क्या बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस। देखो इंटर ग्रेनुलर स्ट्रेस क्या होता है, यहां पे लिखा है दोस्तों इंटर मतलब बीच का, किसके बीच का, जो ग्रेन्स होते हैं उसके बीच का स्ट्रेस। अब जो ग्रेन स्ट्रेस लगाएंगे दोस्तों, ग्रेन पर जो स्ट्रेस लगेगी उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे दोस्तों इफेक्टिव स्ट्रेस। जबकि जो वाटर पे स्ट्रेस लगती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्योर वाटर स्ट्रेस। वैसे जो प्योर वाटर स्ट्रेस है दोस्तों ये वाटर पे नहीं लगती है, वाटर लगाता है पार्टिकल्स के ऊपर, वाटर कैसे लगाता है पार्टिकल के ऊपर, ये पार्टिकल्स है, ठीक है, ये वॉइड है दोस्तों, तो यहाँ पे होगा और ये इस टाइप से पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाएगा और इसको दूर कर देगा, ठीक है, उसको बोलेंगे दोस्तों प्योर वाटर प्रेशर। और जो इसके सरफेस पे लगती है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस या इंटर ग्रेनुलर स्ट्रेस। तो यही आपने निकालना है 11 मीटर बिलो द वाटर लेवल। तो चलिए बात करते हैं कैसे इसको निकालेंगे। तो देखो दोस्तों सबसे पहले हम निकालेंगे सिग्मा, टोटल स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस होता है गामा इनटू एच। ये गामा कौन सा लेंगे दोस्तों, जो भी वहां पे कंडीशन होगी उसी का गामा लेंगे, वहां पे कंडीशन कैसी है दोस्तों, सैचुरेटेड कंडीशन है तो ये सैचुरेटेड हो जाएगा। अब गामा सैचुरेटेड निकालने का तरीका है G plus ES upon 1 plus E इंटू गामा डब्ल्यू। अब यहाँ पे S क्या हो जाएगा, S हो जाएगा दोस्तों 1, क्योंकि फुली सैचुरेटेड है सॉइल तो S हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम निकालेंगे गामा S इक्वल टू G कितना दिया है 2.7 दिया है, प्लस E कितना दिया है दोस्तों, E हमें नहीं पता है, E नहीं पता है तो ES इक्वल टू हम WG लगाएंगे यहाँ पे W हमारा है 0.43, जी अभी हमने देखा है 2.7, नीचे भी हम क्या रखेंगे दोस्तों, नीचे भी हम E को किसके इक्वल रखेंगे, WG के इक्वल रखेंगे, क्योंकि S हमारा कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 1 plus 0.43 into 2.7 और इंटू कर देंगे 9.81, क्यों, क्योंकि गामा W हमने लिया है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है गामा S, 2.7 प्लस 0.43 इंटू 2.7 अपॉन में 1 प्लस 0.43 इंटू 2.7 इंटू 9.81। तो ये आ रहा है दोस्तों गामा S इक्वल टू 17.53 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमने निकालना है इफेक्टिव स्ट्रेस, 11 मीटर पर इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी होगी, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए प्योर वाटर प्रेशर म्यू का वैल्यू कितना होगा, तो गामा W इंटू एच होता है
ठीक है, सिंपल है, 9.81 इनटू लेवल, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9.81 इनटू लेवल, ये हो जाएगा दोस्तों 107.91 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब चलिए अब निकालेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस, जो कि होता है टोटल स्ट्रेस माइनस म्यू। टोटल स्ट्रेस कितना होगा दोस्तों, गामा एच, गामा एच है हमारा 17.53 इंटू 11 माइनस 107.91, तो यहां से आएगा आपका 84.89 ठीक है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। तो दिया है दोस्तों 84.92, हमारा कितना आ रहा है, हमारा आ रहा है दोस्तों 84.89, मतलब दोनों सिमिलर हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 59 की। क्वेश्चन नंबर 59 है दोस्तों आपके सामने, इन नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले लेयर सेटल 2 सेंटीमीटर व्हेन द इफेक्टिव स्ट्रेस इज इंक्रीज फ्रॉम 80 to 160 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। व्हेन द इफेक्टिव स्ट्रेस इज फर्दर इंक्रीज टू 320 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर द फर्दर सेटलमेंट विल बी। तो देखो यहाँ पे सोइल दिया है नॉर्मली कंसोलिडेटेड सोइल NCC, ठीक है, और इसका जो सेटलमेंट दिया है दोस्तों ये दिया है 2 सेंटीमीटर। कब दिया है दोस्तों, जब इस पर जो स्ट्रेस है वो 80 से बढ़ाकर 160 कर दी गई, मतलब यहाँ पे डेल्टा सिग्मा कितना हो जाएगा 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या किया गया दोस्तों, अब सेकेंड स्टेज में फिर से स्ट्रेस को बढ़ा दिया गया, कितना हो गया दोस्तों 320। अब आपने बताना है जब एडिशनल सेटलमेंट आएगा उसका वैल्यू कितना होगा, जो फर्दर सेटलमेंट होगा उसका वैल्यू कितना होगा। तो देखो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, इस फॉर्मूले से इसको निकालने की कोशिश करते हैं, MV डेल्टा सिग्मा इंटू एच नो। बट दोस्तों जो MV है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी, वॉल्यूम ये सोइल सेम सोइल में सेम नहीं होती, ये सेम सोइल में सेम नहीं होगी, ये दोस्तों स्ट्रेस की रेंज पे डिपेंड करती है। अगर स्ट्रेस की रेंज सेम है तभी जाके आप MV को सेम लेंगे। अब देखो यहां पे स्ट्रेस कितनी है 80 to 160, मतलब कि 80 का डिफरेंस है, यहां पे कितना है 160 to 320, मतलब 160 का डिफरेंस है, तो जो रेंज है वो डिफरेंट है, इसलिए यहां पे हम दोस्तों MV नहीं लेंगे। हम क्या करते हैं MV को कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, डेल्टा सिग्मा रखेंगे, एस नोट हमारा दोनों में बराबर आएगा ही, ठीक है, तो यहां से निकाल लेंगे। बट ऐसा नहीं करना है आपने, आपने देखना है कि अगर स्ट्रेस रेंज सेम है तभी आप MV को कॉन्स्टेंट लेके चलेंगे, अदरवाइज MV विल बी वेरी। तो चलिए इसको निकालने का तरीका देखते हैं कैसे इसको निकालेंगे। तो देखो आपने इनिशियल सेटलमेंट का एक फॉर्मूला देख रखा है, डेल्टा एच इक्वल टू एच नोट CC कोफिशेंट ऑफ कंप्रेशन अपॉन 1+E0, मतलब इनिशियल वॉइड रेशो, लॉग 10 डेल्टा सिग्मा प्लस सिग्मा नोट अपॉन सिग्मा नोट, ये आपने देखा है। तो मैं ले रहा हूं दोस्तों फर्स्ट केस, केस नंबर फर्स्ट, 80 to 160 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की रेंज में। तो देखो यहां पर सिग्मा नोट क्या हो जाएगा, सिग्मा नोट हो जाएगा इनिशियल स्ट्रेस 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डेल्टा सिग्मा कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस, ये भी आएगा कितना 80 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहां पे रखेंगे सभी चीजों को, इसको हम अभी एज इट इज रहने देते हैं,
आगे देखेंगे इसका क्या करना है। तो देखो डेल्टा एच हो जाएगा आपका, इसको मैं कॉन्स्टेंट मान रहा हूँ, कॉन्स्टेंट दोनों में खत्म होना है तो इसको छोड़ के चलते हैं, कॉन्स्टेंट दोनों में खत्म होना है, जब मैं डिवाइड करूंगा उसमें से भी ये कट जाएगा तो इसलिए मैं इसको छोड़ के चल रहा हूँ। तो ये आ जाएगा लॉग 10 ऊपर 160 नीचे 80, तो इससे कट जाएगा कितना आएगा डेल्टा एच 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 2 लॉग 10। तो ये तो डेल्टा एच 1 आया है, अब बात करते हैं डेल्टा एच 2 की। अब बात करते हैं दोस्तों डेल्टा एच 2 की, चलिए नीचे करते हैं, चलो इसको हटा देते हैं डेल्टा एच 2 की। तो डेल्टा एच 2 में कितना रेंज है 162-320 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, कॉन्स्टेंट आपका हमने यहाँ पे नहीं रखा है क्योंकि वो कटना है तो कोई फायदा नहीं है, लॉग 10 और यहाँ पे डेल्टा सिग्मा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इन दोनों का डिफरेंस 160 और इनिशियल स्ट्रेस कितना हो जाएगा 160 अपॉन में कितना होगा दोस्तों 160, ठीक है। तो ये भी कितना आ रहा है, ये भी 2 ही आ रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा एच 1 अपॉन डेल्टा एच 2 कितना आ जाएगा, लॉग 10 2 अपॉन लॉग 10 2, मतलब कटने के बाद 1 आ रहा है। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं दोस्तों डेल्टा एच 1 इक्वल टू होगा डेल्टा एच 2। डेल्टा एच 1 कितना था 2 सेंटीमीटर, डेल्टा एच 2 भी कितना होगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 सेंटीमीटर। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपने बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है दोस्तों रिलेटिव कंपैक्शन एंड रिलेटिव डेंसिटी आर सेम, मतलब रिलेटिव कंपैक्शन और रिलेटिव डेंसिटी दोनों सेम होती है, चलिए बात करेंगे इसके ऊपर। तो देखो दोस्तों रिलेटिव कंपैक्शन क्या होता है, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है दोस्तों गामा डी मैक्स इनफील्ड अपॉन गामा डी मैक्स इन लैब, मतलब आपने सेम सोइल सैंपल लिया है, सेम सोइल सैंपल लिया है दोस्तों और उस पर कंपैक्शन किया है फील्ड में, उसी पर दोस्तों कंपैक्शन किया है लैब में, मतलब सेम सोइल के दो सैंपल बनाए आपने, ठीक है, एक पर क्या है फील्ड में कंपैक्शन, एक पर क्या है लैब में कंपैक्शन, और निकाला है उसमें ड्राई मैक्सिमम डेंसिटी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी फील्ड में और मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी लैब में, दोनों का रेशो करेंगे इसको बोलेंगे रिलेटिव कंपैक्शन, ठीक है। और वहीं पे दोस्तों रिलेटिव डेंसिटी कैसे निकालते हैं, आई डी इक्वल टू ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मीन। तो देखो दोनों डिफरेंट है दोस्तों, दोनों डिफरेंट है इसलिए ये तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना है रिलेटिव कंपैक्शन की बात करें या फिर रिलेटिव डेंसिटी की बात करें, दोनों हम कोर्स ग्रेन्ड सोइल में निकालते हैं, बिकॉज कोर्स ग्रेन्ड सोइल में क्या होता है दोस्तों आपका कोहिजन जीरो होता है और जहां पे भी कोहिजन जीरो होगा वहां पे हम दोस्तों आसानी से कंपैक्शन कर पाएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, वाइब्रेटरी रोलर आर इफेक्टिव फॉर कोहिजिव सोइल, देखो वाइब्रेटरी रोलर हम किसके लिए यूज करते हैं दोस्तों, कोर्स ग्रेन सोइल के लिए और मोस्टली किसके लिए दोस्तों सैंड के लिए, ठीक है। वाइब्रेटरी रोलर हम किसके लिए यूज करते हैं, सैंड के लिए, जो कि एक कोर्स ग्रेन सोइल, ध्यान रखना है आपने। फिर बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की, मतलब ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोस्तों जीरो एयर वॉइड एंड 100% सैचुरेशन लाइंस आर सेम, यहाँ पे बोला है कि जो जीरो जीरो एयर वॉइड लाइन होती है और 100% सैचुरेशन लाइन होती है वो सेम होती है, बात करेंगे अभी इसकी। फिर बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, फॉर डेंस एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वॉइड्स रेशो आर आइडेंटिकल, मतलब दोनों सेम होते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वॉइड रेशो, तो ये तो देखने से गलत लग रहा है बिल्कुल, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब जीरो एयर वॉइड लाइन एंड दी 100% सैचुरेशन लाइन आर सेम। देखो जीरो एयर वॉइड लाइन क्या है दोस्तों, हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं
जिसमें निकालते हैं दोस्तों जीरो एयर वॉइड लाइन। क्या मतलब है इसका? सॉइल को दोस्तों इतना कंपैक्ट करते हैं, इतना कंपैक्ट करते हैं कि उस पर क्या होता है दोस्तों, उसमें मौजूद जितने भी वॉइड्स होते हैं वे बिल्कुल एलिमिनेट हो जाते हैं, बिल्कुल निकल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उसमें अब कितने वॉइड बचे हैं दोस्तों, जीरो बचे हैं। तो उस लाइन, उस टाइम दोस्तों जो भी हम लाइन ड्रॉ करते हैं उस ग्राफ में, इस टाइप से एक ग्राफ होता है, इधर हम क्या लेते हैं, इधर हम लेते हैं दोस्तों गामा ड्राइव और एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे करके, इसको बोलते हैं दोस्तों जीरो एयर वॉइड लाइन। ठीक है, जीरो एयर वॉइड लाइन। अब देखो जब उसमें आपका जीरो एयर वॉइड है, जीरो एयर वॉइड है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या, वो 100% सेचुरेटेड भी हो तो होगी। 100% सेचुरेशन में भी तो ऐसे ही होता है दोस्तों। 100% सेचुरेशन में क्या होता है, जो भी पूरी सॉइल है, ये इसके ऊपर के वॉइड है, ये पूरी तरह से दोस्तों वाटर से फिल होते हैं, वाटर से पूरी तरह फिल होते हैं। मतलब कि इसमें वॉइड क्या है, मतलब एयर क्या है दोस्तों, इसमें एयर जीरो है। एयर कंटेंट कितना है, एयर कंटेंट जीरो है, क्योंकि एयर को किसने रिप्लेस कर दिया है, एयर को रिप्लेस कर दिया है दोस्तों वाटर ने। इसलिए हम बोलेंगे जीरो एयर वॉइड लाइन एंड दी 100% सेचुरेशन लाइन आर आइडेंटिकल और सेम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 10 क्वेश्चन। देखो नंबर पे मत जाना कि 10 ही क्वेश्चन कराए हैं, 10 क्वेश्चन में हमने दोस्तों बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी जानी हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसी टाइप से आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ एडिशनल चीज़ें मैं आपको साथ के साथ बताते चलूँगा, जिससे कि आपके जो जेई का एग्जाम आपका आने वाला है उसमें आपको हेल्प हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ।